और कई बार देखा गया है कि अचानक से सब्जियों के दाम बढ़ने लगते हैं, लोगों का बजट बिगड़ जाता है, खाने का जायका कम हो जाता है और फिर बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों की परेशानियां सामने आती हैं, जेब पर बड़ा असर पड़ता है। अलग अलग जिलों में हमारे संवाददाताओं ने लोगों से बातचीत की, सब्जी मंडियों में जाकर वहां का जायजा लिया। क्या कुछ लोगों ने कहा, कितनी महंगी है सब्जियां, ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम पानीपत की नई सब्जी मंडी में मौजूद है और सब्जियों के दाम आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। तमाम सब्जियों के आसपास हम मौजूद है, खासकर हम बात करें तो प्याज और टमाटर इस वक्त आम आदमी को रुला रहा है। प्याज की कीमत लगभग 10 से 20 रुपए बढ़ती जा रही है। हमारे साथ विक्रेता भी है, कस्टमर भी है, तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, खरीदारों से, बेचने वालों से। प्याज की सबसे पहले बातचीत करते हैं, उसके बाद टमाटर, बाकी सब्जियों पर जाएंगे। हाँ जी, क्या नाम आपका? विनोद कुमार जी। विनोद जी, क्या कुछ चल रहा है रेट अब के ऊपर प्याज का? प्याज चल रहा है जी 55 रुपए किलो। 55 मतलब कि ऊपर जा रहा है या नीचे? ऊपर ही जा रहा है जी। वजह क्या मानते हो जी आप? पीछे फसल कम है जी। फसल कम, तो फसल कम है इसलिए जो कस्टमर भी है वो भी परेशान है। भाई साहब, क्या नाम आपका? भाई साहब, भाई साहब, तो कस्टमर जब लेने आते तो कुछ बोलते रेट को सुन के? बोलते तो महंगाई तो है ही, सारे बोलते गए और क्या करेंगे। क्या क्या रेट है सब्जी जो जो आपके पास? हमारे पास लहसुन है 300 रुपए, 350 रुपए किलो है। हाँ। अदरक है 70 रुपए किलो है। हाँ। और नींबू 140 रुपए, 130 रुपए किलो है, बढ़िया वाला। तो ये रेट है, आप अंदाजा लगाइए सब्जियों के दाम तो आम आदमी की पहुंच से दूर होते। भाई साहब, वजह क्या मानते हो ये जो रेट ऊपर जा रहे हैं? ऊपर जा रहा है ये, फसल कम हो गया इसलिए तेजी हो गया। कस्टमर कुछ नहीं बोलता आप लोगों को? कस्टमर क्या बोलेगा, कस्टमर 10 रुपए किलो भी हो जाता है फिर भी कस्टमर को महंगा लगता रहता है। अच्छा, पहले जो 1 किलो लेता था कुछ कटौती की है कस्टमर ने? आधी किलो ले रहा है या कम ले रहा है, कुछ ऐसा है? हाँ, कम कर दे पहले। तो भाई ये टमाटर के रेट है 100 किलो तक पहुँच गए है, लेकिन सब्जी मंडी में जब आम आदमी सब्जी खरीदने के लिए पहुँचता है तो यहाँ पर जब रेट सुनता है तो वो बात करते। भाई सब, क्या नाम आपका? एक मिनट, क्या खरीदा? तो चलिए हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। वहां से तो सब्जी मंडी की तमाम तस्वीरें दिखाई, कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जिसके रेट नीचे गए हो। और फिर हम कुछ लोगों से, भाई साहब क्या क्या बेचते हो? भैया हम तो सारी सब्जी बेचते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि रेट नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं? तो नीचे आ रहे भैया, नीचे आ गया है। किसका रेट नीचे आया? धनिया आ गया 40 रुपए किलो। धनिया तो हमेशा नीचे जाता है। नहीं, 200-400 रुपए किलो था धनिया, अब डाउन आ गया। अच्छा, डाउन आ गया। वजह क्या मानते हो अब जो ऊपर रेट गए थे? भैया गर्मी में हमेशा महंगा रहता है और ठंड में तो सर्दी आ रही है, तो अब डाउन आता जाएगा। तो भाई कुछ सब्जियां है धनिया तो उनके रेट डाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादातर सब्जियों के जिसमें टमाटर हो, प्याज हो, अदरक हो, तमाम वो सब्जियां हैं जिनके रेट हाई पर हैं। और अब तो आम आदमी की पहुंच से तमाम सब्जियां बाहर होती जा रही है और जब खरीदार पहुंचते हैं तो वो कतरा रहे रेट सुनकर, क्योंकि रेट काफ़ी हाई पाई हो चुके हैं। जो टमाटर कभी 40 से 50 रुपये बिकता था वो 100 रुपये तक भी गया। हालांकि कुछ सब्जियाँ ऐसी है, धनिया, कुछ मिर्ची, ये नीचे भी आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो ज्यादातर सब्जियां हैं उनके जो दाम है वो आम आदमी की पहुंच से लगातार बाहर होते जा रहे हैं। अपने सहयोगी योगेश के साथ प्रदीप रेडू, खबरें अभी तक पानीपत। ये टमाटर जितना गुस्से में लाल है उतना महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। सब्जियों के दाम एक बार फिर से आसमान छू रहे हैं। इस वक्त हम एक सब्जी की दुकान पर मौजूद हैं और तमाम सब्जियां आपको यहां पर नजर आ जाएंगी, लेकिन शिमला मिर्च से लेकर टमाटर, टमाटर से लेकर लहसुन, टिंडा, ये तमाम सब्जियां लगातार महंगी होती हुई नजर आ रही हैं। मटर के दाम भी बढ़ गए हैं। हमारे साथ भैया हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया, क्या दाम चल रहा है टमाटर, लहसुन, मटर और भी जो तमाम सब्जियां हैं उनका? मटर जो ये शिमला वाला आ रहा है ये 140 और 150 के बीच में चल रहा है, और लहसुन जो अच्छा है वो 350 और 400 में है, और जो टमाटर बहुत बढ़िया है वो लगभग 70 से 100 के बीच में है। और शिमला मिर्च, टिंडा, टिंडा लगभग 100 रुपये है और शिमला मिर्च 150 से 200 में होगी है। तो ये सब्जियों के जो दाम बढ़े हैं इनका कोई खास कारण? बहुत 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 फर्क पड़ा है। जो पहले 500 की लेते थे काफी सब्जी आ जाती थी, उसमें अब वो सब्जी 1000 में भी नहीं आती उतनी सब्जी। और खास कारण बढ़ने का?
फसल कम है जी, पीछे से फसल नहीं आ रही, फसल कम है इस बारी। हाँ जी, फसल कम है जिसके चलते सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। आप भी सब्जी खरीदने के लिए आए थे, क्या दाम मिल रहा है? बहुत ज्यादा है जी, कोई गरीब आदमी नहीं खरीद सकता सब्जी, इतनी महंगाई है बहुत ज्यादा। सब्जियों के दाम सुनकर होश उड़ गए, आसमान छू रहा है जी बिल्कुल। टमाटर देख लो 120 जा रहा, कोई भी सब्जी अरबी देख लो 160 रुपए किलो, क्या खाएगा कोई है जी। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर जो सब्जी खरीदने के लिए पहुंचे थे उनमें उनके लिए जो दाम है वो काफी महंगे, और जाहिर सी बात है पीछे से जो सब्जी है वो आ रही है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग जाता है। शिमला मिर्च बताया गया है कि 180-200 के आसपास पहुंच गई है, और ऐसे तमाम और सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, सीधा असर जेब पर पड़ रहा है, और आम आदमी को इससे निजात कब तक मिलती है ये देखने वाली बात होगी। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। हरियाणा में जहां से लगातार सब्जियों के दाम है वो आसमान छू रहे हैं, बात करें कैथल जिले की तो कैथल में भी सब्जियों की काफ़ी ऐसी सब्जियां हैं जिसके दाम लगातार बढ़त की तरफ चल रहे हैं, और आम आदमी को भी की जेब है वो भी बिल्कुल टाइट होती हुई दिखाई दे रही है। तो बात करें तो मैं मौजूद हूँ कैथल की सब्जी मंडी में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें टमाटर की ही अगर हम बात करें तो क्या कुछ इनका रेट है, पहले क्या कुछ था। अंकल जी राम राम। राम राम जी। क्या कुछ रेट आपके पास टमाटर के? पहले तो 120 तक बिक चुका है जी टमाटर जी, अब थोड़े रेट कम हो गए हैं, अब 60 तक आ चुका टमाटर जी। तो पहले क्या कारण मानते हैं आप रेट कम ज़्यादा होने का? कुछ फसलें खराब होगी जी बारिश करके, कुछ ये नवरात्रे करके तेज थे जी, पीछे लेबर नहीं थी जी तो इस करके तेजी थी, अब थोड़ा डाउन आ रहा है। ग्राहक सब्जी लेने आते हैं क्या ये रेट है, ये रेट है, क्या इतना महंगा किस तरह हो रहा है, नहीं हम महंगा हो रहा है, आप आगे से महंगा आ दे रहे हैं आरती, तो फिर महंगा खरीद रहे हैं उस रेट पे बेचते हैं हम, और क्या करें। बिल्कुल देखिए, और भी हमारे साथ जो सब्जी विक्रेता है वो भी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पहले मैं मंडी का जो दृश्य है वो दिखा देता हूँ, किस प्रकार लगभग जो कैथल की सब्जी मंडी है वो आपको दिखाई दे रही है। ग्राहक की कमी तो दुकानदारों को काफ़ी महसूस हो रही है, क्योंकि ग्राहक अब वो नहीं रहा जो पहले कई किलो किलो सामान सब्जियां लेके जाता था, लेकिन अब बहुत ही कम जो ग्राहक है वो रह चुके हैं, और वो भी बहुत ही कम जो सब्जियाँ ले रहे हैं। क्या नाम है भाई अपना? रवि। रवि, कितना फर्क पड़ा है सब्जियों में आपके? सब्जियों में बहुत फर्क है जी, पहले से 10-10, 20-20 रुपए बढ़ रहे हैं। हाँ जी सर। और दुकानदारी पे क्या असर? दुकानदारी पे असर है भाई, जिसको किलो लेना हो बेचारा आधे किलो ही लेके जाता है। तो इनसे बातचीत की गई है, इनका कहना है कि जो पहले ग्राहक कई किलो सब्जियां लेके जाता था, लेकिन अब की बार आधी किलो या 250 ग्राम ही सब्जियां लेके जा रहा है, और कहीं ना कहीं इनके दुकानदारी पे भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ मनोज मलिक, खबरें अभी तक। सब्जियों के लगातार बढ़ते दाम को लेकर के आम आदमी की रसोई का बजट खराब होता दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि टमाटर और प्याज जिस सब्जी में, हर सब्जी के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन उस सब्जी की कीमत आपको दिखाते हैं। अभी इस समय मंडी के अंदर खड़े हुए हैं, जहां पर कि आज जो है वो लगभग 60 रुपए के आसपास जो है वो प्याज का रेट बताया जा रहा है, और 100 रुपए के आसपास जो है वो टमाटर का रेट बताया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से पिछले एक महीने की बात कर जाए तो एक महीने से इसी रेट पर जो है वो इन दोनों चीजों की यहाँ पे बिक्री मंडी के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है, और लगातार एक के बाद एक कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर आम जनता का जो है वो बजट बिगड़ता हुआ दिखा दे रहा है। भाई क्या नाम है आपका? मनोज। टमाटर 100 रुपए किलो। पिछले कितने दिनों से चल रहा है? ये एक डेढ़ सप्ताह हो गया, डेढ़ सप्ताह दो सप्ताह। कारण क्या लग रहा है? अभी बाहर का टमाटर आ रहा है, हिमाचल वाला, शिमला, इधर का भी आ रहा है, बेंगलोर वाला भी। गरीब भैया क्या खा सकता है? कुछ भी नहीं। सब्जी इतनी महंगी हो रही है, क्या बच्चों के लिए पढ़ाई में लिखाई में क्या लगाएगा और क्या खाएगा? वो तो चटनी से भी नसीब नहीं है। मिर्ची है, धनिया इतना महंगा है, बताओ। टमाटर 100 रुपए किलो है, खीरा 50 रुपए किलो है, प्याज 50 रुपए किलो है, आलू 45 रुपया किलो है। कहते थे टमाटर प्याज की चटनी खा लो, वो भी टाइम गया तो। अरे टाइम तो बहुत दूर दूर तक चला गया, टमाटर प्याज तो तभी मिलेंगे ना, तब सस्ता होगा। इससे तो बढ़िया फिर कोई सब्जी खा लेंगे टमाटर बिना प्याज के ही, बताइए। तो इतना महंगा हो रहा है, बताओ क्या खाएगा गरीब भैया, तो बस भूखा ही रहेगा।
तो बिल्कुल कह सकते हैं कि आम आदमी की रसोई का बजट जो है वो टमाटर और प्याज और लगातार महंगी हुई सब्जियों ने जो है वो बिगाड़ दिया है। फिलहाल की बात कर जाए तो अब उम्मीद है कि जब नई खेप आएगी, यानी कि जब लोकल यहाँ का टमाटर पैदा होगा, उसके पश्चात कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ राहत जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो बड़े पैमाने पर लगातार जिस तरीके से टमाटर प्याज और सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, उससे आने वाले समय में आम जनता का बजट रसोई का खराब होता दिखाई दे रहा है। फरदाबाद से अनिल राठी, खबरें अभी तक। टमाटर साथ तो धनिया 400 रुपए, लहसुन भी 400 रुपए। जी हाँ, खबरें अभी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर जो है थानेसर की अनाज मंडी में पहुंची है। या रेट्स की बात की जाए तो सबसे पहले मैं अपने सहयोगियों को कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से जो है ये सब्जियों का जो है बाजार सजा हुआ है। हरी मिर्च की बात की जाए तो हरी मिर्च 160 रुपए, प्याज 60 रुपए, आलू 60 रुपए किलो, मूली 60 रुपए किलो, खीरा 50 रुपए किलो, गोभी 80 रुपए किलो, तोरी 80 रुपए किलो और घिया जो है वो भी 40 रुपए किलो है। तो इन सब्जियों का जो है, जो गृहणियों का जो है बजट बिगाड़ा हुआ है। हमारे साथ दुकानदार हैं, या हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अजी क्या बताएंगे, जो आलू और टमाटर क्या रेट चल रहा है? टमाटर 80 चल रहा है, 100 भी चल रहा है। अच्छा, धनिया? धनिया 300-200 ऐसे चल रहा है। लहसुन? लहसुन 100 रुपए 80 रुपए। तो इतनी महंगाई की क्या वजह है? क्या बरसात पे मौसम, बरसात है, सावन के महीने बरसात नहीं है, बरसात तो महंगाई तो अपना बोल रही है। अच्छा, मौसम तो जब तो ही नहीं है। 300-400 रुपए किलो लहसुन है जी। हाँ जी, क्या करेगा, क्या खाएगा तू? तो कोई रेट कम होने की संभावना नहीं है? मतलब ही नहीं जी, तो पूरी ऊपर जाता है, तो बजट जो है बिगड़ रहा है। इसकी वजह पता नहीं क्या वजह है, बजट आपका जो है बिगड़ जाता है, कम लेना पड़ता है। देखो वो भी टाइम था जो 50 रुपए की सब्जी सारे टब्बर के लिए, अगर पैया टमाटर 50 रुपए के आएंगे, 100-150 रुपए किलो टमाटर है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी क्या लेने के लिए आए आप, क्या बताएंगे? आज सब्जी लेने आया, सब्जी बहुत महंगी है। ठीक है, क्या करिए जी, लहसुन 400 रुपए किलो लाई थी। तो देखिये ये आम लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो महंगाई की वजह से, रेट अधिक होने की वजह से जो उनका बजट बिगड़ा हुआ है, और टमाटर जो है अब 100 रुपए किलो मिल रहे हैं, जिस 100 रुपए में जो है पहले पूरे परिवार की सब्जी ले जाते थे, अब जो है टमाटर ही जो है वो 100 रुपए किलो बिक रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि लोगों को कब तक इससे राहत मिल पाती है। राजीव अरोड़ा, खबरें अभी तक।